गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 5 विच इज़ डिवीज़न. ठीक है, तो आइए आज हम डिवीज़न करना सीखेंगे कि डिवीज़न क्या होता है. ठीक है, तो डिवीज़न का मतलब होता है पार्ट करना. ठीक है, यानी अगर हमारे पास कोई बड़ी सी चीज़ है तो उसे इक्वल पीसेस में कैसे हम लोगों को बांटेंगे. ठीक है, सपोज़ कि डिवीज़न क्या होता है. ठीक है ना, आपके पास मान लीजिए 10 पेन है. ठीक है, आपके पास 10 पेन दिए गए हैं और आपको इक्वल इक्वल 5 लोगों में बांटना है. ठीक है, 10 पेन को इक्वल इक्वल 5 लोगों में बांटना है. तो आप कैसे बांटेंगे, मान लीजिए 5 लोग हैं. ठीक है, 3 4 5. ठीक है, तो आपके पास 10 पेन है तो आप क्या करेंगे, एक पेन इसको देंगे, फिर एक पेन इसको, फिर एक पेन इसको, फिर एक पेन इसको, फिर ये इसको, तो 5 पेन ख़त्म हो गए. फिर उसके बाद आपके पास 5 पेन और बचे हैं तो एक बार और देना स्टार्ट करेंगे, एक बार इसको, एक बार इसको, फिर इसको, इसको, इसको. ठीक है, तो सबके पास कितने कितने पेन्स हो गए, 2 2 पेन्स. ठीक है, सबके पास दो दो पेन हो गए ना, एक एक बार एक एक पेन दिया, फिर आपके पास 5 बचा, तो फिर से आपने एक एक डिस्ट्रीब्यूट किया. तो आपके पास ये इन लोगों के पास कितने कितने पेन हो गए, दो दो, यानी 10 को, यानी 10 पेन को, 10 पेन को अगर हम 5 लोगों में बराबर बांटें तो कितने कितने मिलेंगे उनको, 2 2 मिलेंगे. ठीक है, 2 2 पेन मिलेंगे. ठीक है, ठीक है, तो अगर 10 पेन को 5 लोगों में बांटें तो हम ईच को कितना मिलेगा, 2 पेन्स. वैसे ही हमें इस डिवीज़न को सॉल्व करना है. ठीक है, तो बस बांटना है, इक्वली बांटना है. ठीक है, तो डिवीज़न किसे कहते हैं, तो डिवीज़न इज़ अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर. ठीक है, यानी डिवीज़न निकालने के लिए हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना होगा. ठीक है, डिवीज़न के लिए तो 2 3 मैथड्स हैं, लेकिन हम पहले रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड को देखेंगे. ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर ए, देयर आर 15 मेंबर. तो देखिए, देयर आर 15 कैरोट्स, जम्मू वांट्स टू डिवाइड देम इक्वली अमंग बनी, फनी एंड सनी, हाउ मेनी कैरोट्स विल ईच रैबिट गेट. ठीक है, ध्यान दीजिए कि जम्बू नाम का एक एलिफेंट है. ठीक है, जिसके पास 15 कैरोट है. ठीक है, अब इसे 3 लोगों में बांटना है. कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में. कौन कौन से 3 लोग में, एक बनी, एक फनी और एक सनी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो ये देखिए बनी के लिए यहाँ पे बी लिख दिए. ठीक है, फनी के लिए एफ और सनी के लिए एस. अब इन तीनों में हम बांटना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जम्बो के पास कितना, ये जम्बो के पास कितना है कैरोट, 15. तो हम पहले क्या करेंगे, एक एक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, तो देखिए, तो एक एक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 ख़त्म हो गया ना, तो 15 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 12. तो हमारे पास कितने बचे, 12 अभी बचे हैं. ठीक है, तो अब देखिए, अब 12 बचे हैं, यहाँ ध्यान से देखिए. ठीक है ना, इससे तो ये देखिए 3 ख़त्म हो गए, अब ये दूसरे लाइन में आ जाएगी. ठीक है, फिर हम एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये लोग को. ठीक है, तो इनके पास कितना हो गया, 2 2 हो गए. ठीक है, अब तीसरा लाइन भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक एक तीनों में. ठीक है, तो इनके पास कितना हो गया, 3 3. फिर फोर्थ वाला लाइन भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो बनी के पास कितना हुआ, 4. फनी के पास कितना हुआ, 4. सनी के पास कितना हुआ, 4 कैरोट. अब देखिए लास्ट वाला लाइन. ठीक है, फिर हम एक एक दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो बनी के पास टोटल कितने हुए, 5. फनी के पास 5, सनी के पास 5. यानी कि अगर हम 15 कैरोट को 3 लोगों में बांटें, ठीक है, 3 पीपल में इक्वल इक्वल बांटते हैं, तो ईच को 5 कैरोट मिलेंगे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5. तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 कैरोट 5 कैरोट 5 कैरोट. ठीक है, सबको 5 5 मिल गया. अब देखिए, ठीक है, क्वेश्चन, लुक एट पिक्चर एंड फील इन द ब्लैंक्स. ठीक है, हमें पिक्चर देखना है और फील इन द ब्लैंक्स करना है. ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ बनानास कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 इधर है, तो 6, फिर 6 यहाँ, 12, फिर 6 18, फिर 6 6 ऐड करते जाएंगे ना, 24. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24. ठीक है, नंबर ऑफ प्लेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 है. ठीक है, बनानास कितने हैं, 24, और नंबर ऑफ प्लेट्स कितने हैं, 6. हाउ मेनी बनानास विल ईच प्लेट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. अब बताइए एक प्लेट में कितने बनानास को रख सकते हैं, तो प्लेट्स कितने हैं, 6. बनानास कितने हैं, 24. तो देखिए ध्यान से, ठीक है, ये वाले लाइन को हम
इस प्लेट में रख देंगे, ठीक है। तो A1 2 3 4 फोर बनाना जिसमें रख दिए, दूसरे वाले प्लेट में इसको रख देंगे, ठीक है। तीसरे वाले प्लेट में इसको रख देंगे, फोर्थ वाले प्लेट में इसको रख देंगे, ठीक है। फाइव वाले प्लेट में इसको रख देंगे और सिक्स वाले प्लेट जो बचा इसको रख देंगे। यानी हमने सिक्स प्लेट में रख दिए बनाना, पर एक प्लेट में कितना रखा? फोर। ये पूरा एक लाइन रखा ना, तो 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर। यानी ईच प्लेट में फोर फोर बनाना हमने रखा, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो रहा डिवीज़न का मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए हम फॉर्मूलेज में कैसे समझते हैं इसको, ठीक है। टर्म्स ऑफ डिवीज़न, ठीक है, यानी जो नंबर जिसमें डिवाइड करना है, ठीक है, जो टोटल रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जितने लोगों में बांटना होता है या डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है, जितने लोगों में, जैसे थ्री बनानास को सिक्स प्लेट में बांटना था, जम्बो के कैरेट को थ्री लोगों में बांटना था, ठीक है, तो वहाँ पर उसे क्या बोलते हैं? डिवीज़र, ठीक है। यानी जो सबसे बड़ा होता है, जिसमें डिवाइड होना है, उसको सिक्स, वो डिविडेंट कहलाता है। और जिसको जितने लोगों में बांटते हैं, ठीक है, उसको डिवीज़र कहते हैं। क्वेश्चन किसे कहते हैं? क्वेश्चन यानी डिवाइड करने के बाद जितने जितने लोगों को मिलते हैं ईच पर्सन को, उसको हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिविडेंट, डिवीज़र और क्वेश्चन, ठीक है। यानी आंसर को हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए डिवाइड करने के सीखते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर ए, यूज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन टू फाइंड द क्वेश्चन, ठीक है। हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूज़ करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 27 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो हमें 27 में डिवाइड करना है 9 का, ठीक है। तो क्या करेंगे? बस सब्ट्रैक्ट करना है, तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक ज़ीरो ना आ जाए। यानी 27 में 9 को सब्ट्रैक्ट करते जाना है जब तक कि ज़ीरो ना आ जाए। तो हमारे पास पूरे, हमारे पास जो है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 27, ठीक है। तो 27 माइनस 9, तो 9 को 27 में, हम अगर 27 में 9 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? तो आप माइनस करिए, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 8, ठीक है, और 1, 18, ठीक है। अब अभी भी ज़ीरो नहीं आया ना, तो फिर से हम इसमें 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तब तक करना है जब तक ज़ीरो ना आ जाए। फिर 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। अब देखिए 9 आ गया, फिर से इसमें 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ज़ीरो नहीं आया ना। अब देखिए 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, 0 आ गया, ठीक है। यानी 27 में हम 9 को तब तक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, माइनस करते जाएगा जब तक ज़ीरो ना आ जाए। तो कितने बार में 0 आया? तो ये देखिए, 1 टाइम माइनस करने पर, 2 टाइम माइनस करने पर, 3 टाइम माइनस करने पर, यानी 3 टाइम माइनस करने के बाद 0 आया है, ठीक है। 27 में 3 टाइम माइनस करने के बाद 0 आया, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 3 4 सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन नंबर बी भी बनाना है, ठीक है, डिवाइड करना है बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।